हेलो नमस्कार केम छो दोस्तों, आई एम योर होस्ट इंदोस मल कुमार एंड दिस इज MG4। ये है आपकी एक नई ओ तेरी इफेक्ट के साथ MG4 जो कि आने वाली इंडिया में, जस्ट लाइक कि अभी हम आ चुके हैं एक लॉन्च इवेंट में, एक अनवील इवेंट में। इनफैक्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे तो JSW MG मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब ये हो चुकी है MG मोटर्स से, बिकॉज अब इनका जॉइंट वेंचर हो चुका है। अब ये एक तरह से एक तिकड़ी बन चुकी है तीन कंपनियों की, जो अब आने वाले 3 महीने 6 महीने में एक नया प्रोडक्ट लाने का प्रॉमिस कर चुकी हैं। तो बताऊंगा आपको ये गाड़ी क्या है और कैसी है, इसके बारे में बताऊंगा कि इंडियन मार्केट में कैसे कब आ सकती है और क्या कॉन्फ़िगरेशन लेके आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट फेशिया के साथ लाइट्स देखेंगे तो आप यहाँ पर, तो आपको कुछ इस तरह से इसका पूरा कलेवर दिखाई देगा। बहुत ज़बरदस्त एक अपीलिंग लेके आती है हॉक आई स्टाइल्स के अंदर। आप देखें तो हेडलैम्प्स के दे रखे हैं, प्रोजेक्टर के अंदर इंडिकेटर भी है, DRL ऊपर दे रखे हैं, स्मोक ब्लैक इफेक्ट इसके अंदर दे रखा है, बम्पर बहुत शार्प है। यहाँ पर देखें तो कुछ कार्बन फाइबर का कुछ आपको यूज़ मिलेगा, एयर डेम एरिया यहाँ पर है। हालाँकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है बट दिया हुआ है, बढ़िया चीज़ हो जाती है। MG का प्रोमिनेंट सा बड़ा सा लोगो मिलेगा आपको। यहाँ देखेंगे तो नीचे आपको रडार सेंसर भी दिया गया है यहाँ पर, और ये देखेंगे तो इसका एयर डेम एरिया भी दिया गया है, जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सा हो जाता है इस तरह की गाड़ी को करने के लिए। और यहाँ देखेंगे तो पूरा आप एक स्पोर्टीनेस को बिल्कुल ध्यान में रख के सारी चीज़ें में डिज़ाइन की गई हैं। एक बिल्कुल नोज डाउन एरो शेप काइंड ऑफ इसकी पूरी फ्रंट फेशिया आती है। बात करेंगे साइड की तो चलिए बताता हूँ आपको साइड में क्या मिलेगा। एक स्पोर्टी हैचबैक जैसा भी कभी इसमें लुक आएगा, स्पोर्टी सेडान जैसा भी लुक आएगा, बट क्या दिखेंगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे बड़े से आपको ग्लास एरिया दिखाई देंगे, बहुत लंबी गाड़ी दिखेंगी, कहीं ना कहीं आपको ये इंडिया IV जैसी याद दिलाएगी, जो स्कोडा की गाड़ी आने वाली है। और मेरे चैनल पे वो गाड़ी की वीडियो भी ज़रा देखेंगे उसको। यहाँ पर देखें तो बात करेंगे साइड में 150 mm का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, अनलेडिन है। लेडिन के अंदर आप देखें थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, और साथ में बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो बात तो कर ली मैंने, 150 mm है। व्हील बेसिस 2703 mm का यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो डोर हैंडल के अंदर आप देखें तो रिक्वेस्ट सेंसर दोनों में दिए गए हैं, जो अच्छी बात हो जाती है। ORVM भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, और आई थिंक ये हीटेड ORVM भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ MG अपनी गाड़ी में ऐसे ऐसे फीचर लेके आती है जो कोई सोच नहीं सकता। यहाँ पे देखेंगे तो आपको और कुछ तो मिलेगा नहीं, टर्न इंडिकेटर मिलेगा जस्ट लाइक। और यहाँ देखेंगे तो जो इसकी रूफ़ है, कोई सनरूफ का फिलहाल इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलता नहीं है। और हालांकि ये गाड़ी जो है वो आपकी अभी एक कॉन्सेप्ट बेस में आई है, प्रॉपर अगर आप देखें तो प्रोडक्शन वर्जन आप इसको नहीं कह सकते, बिकॉज अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, जैसा अभी अनवील की गई है। कब लॉन्च होगी, कैसे होगी, बताएंगे आपको इन फ्यूचर। साइड में देखेंगे तो आप काफ़ी आपको स्कल्प्टेड डिज़ाइन लगेगा। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दे रखा है, जो आप अगर खोलेगा तो CCS2 को ये सपोर्ट करती है। और इसके अंदर जो बैटरी पैक है उसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ आपसे बाद में, थोड़े टाइम बाद। उससे पहले दिखा दूँ कि गाड़ी पूरी प्रॉपर पीछे से लगती कैसी है। यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल आपको ये देखिए बहुत अलग सा डिज़ाइन देखने मिलेगा, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्पॉइलर यहाँ पे दिया गया, जो Realme के ड्रैग को कहीं ना कहीं मैनेज करता है कम करने में। और यहाँ देखेंगे तो पूरा आपको एक बढ़िया सा एक पूरा शेप मिलेगा। टेल लैंप अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह से देखने मिलेंगे, पूरे एरोइश काइंड ऑफ इसके अंदर आपको ये टेल लैंप मिलेंगे जो LED के अंदर है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको LED ही LED मिलेगी। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दूँ जो बम्पर एरिया है नीचे का, कुछ इस तरह से बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया है। पार्किंग सेंसर मल्टीपल हैं, और इसके बूट की बात करें तो बूट यहाँ से रिलीज हो जाता है, जो कुछ इतना खुलता है। 350 liter के आसपास का इसका बूट स्पेस मुझे लग रहा है, और ज़्यादा इसके अंदर लोडिंग लिंक भी नहीं है। और यहाँ पे सारे आप देखेंगे तो रिपेयर किट यहाँ पर दी गई हैं, और जो इसका एयर पंप है वो भी दिया गया है यहाँ पर। आई थिंक स्टेपनी नीचे दी अंदर नीट दे रखी है, वो कन्फर्म हम आपको बाद में करेंगे जब ये प्रोडक्शन वर्जन में आएंगी। फिलहाल इसके अंदर पार्सल ट्रे रखी है, जो थोड़ी सी फ्लिमसी हल्की सी लग रही है, बाकी क्वालिटी के वाइज कोई इशू इसमें नज़र नहीं आ रहा है। 60-40 सीट आपको मिल जाती है, जो अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। और छोटे बच्चों के लिए जो आइसोफिक्स सीट है उसका भी ऑप्शन दिया गया है, जो बहुत अच्छा हो जाता है मेरी नज़रों में। यहाँ पे MG4 इलेक्ट्रिक की बैजिंग है, और यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पर MG का लोगो है, और एक बड़ा सा आपको नीचे स्पॉयलरिश काइंड ऑफ डिज़ाइन मिलता है, जो एक्चुअल में स्पॉयलर का काम करता है। साइड में आप देखेंगे तो आपको मैं भूल गया एक चीज़ दिखाना, जो कि इसके टायर हैं वो आप दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। सो इसके अंदर आप देखेंगे ये ऊपर कैप लगा हुआ है, इसके नीचे भी एक अलॉय व्हील है। और यहाँ पे बात करेंगे इसके टायर की, तो कॉन्टिनेंटल का टायर इसमें दिया गया है, जिसकी अगर आप साइज़ देखेंगे तो 215 सेक्शन 50R17 इसके अंदर व्हील हब लगा हुआ है। पीछे डिस्क ब्रेक चारों तरफ है। और अब बात करते हैं इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। हालांकि ये गाड़ी इंडिया में आई नहीं है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो कम से कम आपको ये गाड़ी
वो 160 bhp की पावर देगी, और साथ में अगर आप देखेंगे इसके टॉपेस्ट वेरिएंट के अंदर तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर 280 हॉर्स पावर की आपको पावर मिलेगी, और रियर व्हील ड्राइव ये गाड़ी हो जाएगी। और मल्टीपल मोटर के साथ आएगी या सिंगल मोटर के साथ बात की बात है। बात करता हूँ इसकी रेंज की, तो रेंज आपको 350 लेके आपको 500 किलोमीटर की रेंज इसमें दी जा सकती है मल्टीपल बैटरी पैक के हेल्प के थ्रू। तो चलिए चलते हैं अब इसके इंटीरियर के अंदर के वहाँ पे आपको क्या दिया गया है इस MG4 के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे हम ओपन करेंगे इसको, ये देखिए एपरेचर कुछ इतना 90 डिग्री के आसपास आप देंगे तो पूरा एपरेचर है, यहाँ पर दिखा दूँ मैं वाइट एंगल करके, सो ठीक रहता है ये अपने आप में। बाकी यहाँ पे देंगे तो साइड में आप देखिए तो MG का जो टच है रहता है प्रीमियम टच, वो यहाँ पे देखने मिलेगा। पावर विंडो के स्विचेस हैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो लॉक अनलॉक के यहाँ पे बटन है, इलेक्ट्रिकली है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, 1 लीटर बॉटल होल्डर भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ बात करेंगे जो इंटीरियर की, तो यहाँ से देखिए तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा ये सब कुछ। और चलिए चलते हैं अंदर, फिर बात करते हैं यहाँ पर और क्या आपके लिए दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे देखिए तो दरवाज़ा दिखा दूँ आपको, तो आपको देखिए क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है जो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे हम इस पर्टिकुलर एक ब्रांड के अंदर, सो चलिए बात करते हैं इसके ओवरऑल डैशबोर्ड से। तो यहाँ पर देखिए तो आपको बहुत ही एक सिंपलिस्टिक सा एक डैशबोर्ड मिलेगा यहाँ पर। 10.25 की आई थिंक 12.25 की स्क्रीन आपको मिलेगी कुछ इस तरह से। आप देखेंगे तो सारे बटन यहाँ पे दे रखे हैं, वॉल्यूम के, होम के, और जो भी इसके बटन है एयर कंडीशनर के वो दिए हैं। और एसी का जो अगर देखें पूरा आप ऑप्शन देखें तो पूरा छुपा ऐसा लग रहा है। और यहाँ देखें तो ग्लव बॉक्स भी आपको यहाँ पे दे रखा है, पर इसके अंदर कोई इल्यूमिनेशन आपको मिलेगी नहीं, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट इसके अंदर इंटीरियर देखने को मिलेगा। और बाकी की बात करेंगे हम स्टेयरिंग की, तो यहाँ पर बात करूँगा देखिए डी कट स्टेयरिंग नीचे दे रखा है, लेदर रैप के हैं, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग के साथ हैं। यहाँ देंगे तो कुछ फिल्म सीसी आपको एक DIS ड्राइवर इन्फॉर्मेशन क्लस्टर मिलेगी जो कुछ मेरे ख्याल से 8 इंच के आसपास मुझे लग रही हैं। यहाँ बात करेंगे तो RVM के कंट्रोल के सारे बटन हैं, और हेडलाइट लेवलिंग के सारे स्विचेस यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पर सारे आप देंगे तो टेलीमेटिक्स बटन दे रखे हैं, और यहाँ पर आपके क्रूज कंट्रोल के सारे बटन दे रखे हैं। बीच में MG का लोगो है यहाँ पर एयरबैग के ऊपर। यहाँ पर बात करेंगे तो आई थिंक यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर दिया जा सकता है इन फ्यूचर। यहाँ बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो इसके ड्राइविंग मोड है, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइविंग एंड पार्क मोड यहाँ पर दे रखा है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें खाली मिलेगी आपको, बताता हूँ कि वहाँ पर आपको मिलेगा क्या। मैं इसको थोड़ा ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ देंगे तो 12V का सॉकेट है, Type-C, Type-A का आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और ये ट्रैक आप हटाएंगे तो आपको एक अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर आपको बैरेज होल्डर्स भी दिए गए हैं, आर्म रेस्ट यहाँ पर दिया गया है जो अच्छी खासी स्टोरेज लेके आता है। बट थोड़ा सा इसमें पलता पतला सा आपको लगेगा, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। स्लाइडिंग ये हालांकि नहीं है, सो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी यहाँ पर देखें तो हाइट एडजस्टमेंट के साथ ये सीटें दे रखी हैं, कोई इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है। आई थिंक ये बेस मॉडल है, दैट्स वाई सारी चीज़ आपको ये बेसिक में देखने मिलेगी। बट यहाँ पे IRV की बात करें, फ्रेमलेस दिया हुआ है, मैनुअल दिया हुआ है यहाँ पे, ऑटोमेटिक का ऑप्शन यहाँ पे, ग्लास होल्डर यहाँ पे दे रखा है, लाइटें यहाँ पे दे रखी है, सारी कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे। तो अभी तो फिलहाल इसके अंदर आपको झलेगी नहीं क्योंकि चाबी है नहीं अभी। तो यहाँ पे वैनिटी मिरर्स दे रखे हैं दोनों साइड, आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको सारा ऑप्शन मिलेगा। दोनों में शायद लाइट है बट अभी जल नहीं रही है। चलते हैं पीछे की तरफ कि वहाँ पे आपको क्या मिलेगा। चलिए चलते हैं पीछे कि आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता क्या है। चलिए चलते हैं पीछे। सो बेसिकली निकलना और उतरना इस गाड़ी में थोड़ा सा आपको ट्रिकी सा लग जाएगा अगर आपकी हाइट लंबी है, और नॉर्मल हाइट के लिए तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अगेंस्ट रियर स्पेस काफ़ी अच्छा है, एक ये देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो यहाँ पर आपको कोई टनल हम देखने को मिलेगा नहीं, बट हल्का सा मिलेगा आपको, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। डोर पैड की बात करें तो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, डोर पैड इस तरह से इसमें दे रखे हैं, आप देखेंगे तो पूरे इस तरह से दे रखे हैं जो अपने आप में काफ़ी ठीक है। अभी यह काफ़ी अंधेरा है, और यहाँ पर जो दीम है वो भी काफ़ी डार्क है। आप देखेंगे तो मेरा जो हेडरूम है वो ठीक ठाक ही है, मतलब कि थोड़ी सी जगह है, और मेरी हाइट है 5'9" जैसा आपको पता ही है। और 3 लोगों की बैठने की आराम से इसमें व्यवस्था है, और बता ही चुका था कि यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट का ऑप्शन दे रखा है। 3-point सीट बेल्ट आपको हर जगह मिलेगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे दोनों। यहाँ पे मिलेगा आपको एक नॉर्मल सा एक फ्लैट आउट बैक सपोर्ट, कोई भी हमरेस्ट यहाँ पे देखो मिलेगा नहीं। बाकी सीटिंग की बात करें तो इसके अंदर पूरा आप देखें तो कपड़ों का यूज़ किया गया है, मतलब कि एक तरह से आप देखेंगे तो फैब्रिक का यूज़ किया गया है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, मल्टीपल इसके अंदर स्पीकर भी दिए गए हैं जो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं इस टाइप में। और यहाँ देंगे तो आपको छोटे छोटे टचेस मिलेंगे, ये हुक वगैरह मिलेंगे कुछ इस तरह से। बाकी सीट पॉकेट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने बताया था जैसे ये बेस मॉडल सा मुझे लग रहा है, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें आपको ऐसे देखने मिलेंगी। यहाँ पे देंगे तो आपको Type-A का फास्ट चार्ज का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगी जगह
कि आप अपना छोटा मोटा सामान और फ़ोन कैसे रख सकते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से इसमें सारी चीज़ दी हुई है। सो बात करते हैं इसके बोनट की, वहाँ पे आपको क्या मिलता है एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक बोर्ड दिखाया था, अब आपको मैं थोड़ा बोनट भी दिखा देता हूँ। वेट ठीक ठाक है इसके अंदर, सारे मैकेनिकल्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप देंगे तो पूरा वेल इक्विप्ड है। हमेशा आप MG की गाड़ी देखते हैं जो जैसे अंडर हुड है, जो इसके अंदर अंडरनीथ द हुड है, हमेशा आपको अच्छी पैकिंग मिलती है, चाहे कोई सी भी गाड़ी की आप बात कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने मिलेगी, यहाँ पर सारे इसके फ्यूज़ बॉक्स वगैरह, बैटरी वगैरह, उसके जरिए बैटरी मोटर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे अच्छी तरह से दे रखा है। कोई ज़रूरत नहीं है हालांकि नॉइज़ डैम्पिंग की, क्योंकि गाड़ी इलेक्ट्रिक है ना कि IC इंजन वाली। सो दोस्तों कैसे लगा आपको ये मेरा वीडियो, जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल कार एंड टॉक को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कीजिएगा, और हमें बताइएगा क्या आपको कमी लगी हमारी वीडियोस में। सो दोस्तों इसी मैसेज के साथ मैं विमल कुमार लूंगा अगली वीडियो के लिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेफ चलिएगा। इट्स विमल कुमार साइनिंग ऑफ।